हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीचिंग स्किल्स के बारे में, जो कि हमारा बेसिकली होगा पार्ट टू। यानी कि जो पार्ट वन है वो मैंने इसी चैनल पर पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दी थी। उसमें क्या है, उस पार्ट में मैंने मीनिंग, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स को एक्सप्लेन किया है। इस पार्ट में भी टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ जो बची हुई टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है। बाकी की जो पहले की कुछ टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स हैं वो उसी पार्ट में एक्सप्लेन है। सो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, उसके बाद अगर आप इस पार्ट को देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देख लीजिए, हमारी जो नेक्स्ट टीचिंग स्किल है वो है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं टीचिंग के पार्ट में, यानी कि जो टीचिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप अपने बच्चों को कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक में थ्योरी पार्ट जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक लेक्चर डिलीवर करेंगे और उसी के साथ साथ आप ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ में अगर आप उसी टॉपिक से रिलेटेड चार्ट या फिर कोई भी ऑडियो वगैरह बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चे क्या होंगे, और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे टीचिंग में और चीज़ों को बहुत ही ईजिली वो लर्न कर सकेंगे, एक उनको इंटरेस्टिंग वे मिल जाएगा। सो एक अच्छा टीचर क्या करता है, उसके अंदर एक टीचिंग स्किल होनी चाहिए ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करने की। सो इसमें क्या होता है, बाय द स्किल द टीचर यूजेज ऑडियो विजुअल एड्स इन his or her lesson in such a manner that they become the part of the lesson। यानी कि एक टीचर जो होता है वो क्या करता है, ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करता है, जिससे कि वो क्या करता है, अपनी टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा ईजिली एक्सप्लेन कर सकता है, अपनी टीचिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारी आ जाती है स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। यानी कि जो एक टीचर होता है उसके लिए क्लास को मैनेज करना एक सच में एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि क्लास में कई तरीके के बच्चे होते हैं, जो कुछ डिसिप्लिन भी होते हैं, कुछ इनडिसिप्लिन भी होते हैं। तो एक टीचर के अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए कि उसे किस तरीके से क्लास मैनेजमेंट करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। जैसे कि आप जानते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, और इस स्किल से क्या होता है, जो टीचर होता है वो अपने सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते हैं क्लास में। इससे क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई टीचर है, ठीक है, तो टीचर कुछ अपना काम कर रहा है या फिर उसको अपना काम नहीं है, मान लीजिए वो बच्चों को पढ़ा ही रहा है, तब भी वो टीचर क्या करेगा, बच्चों को इस तरीके से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखेगा जिससे कि क्लास में इनडिसिप्लिन ना क्रिएट हो, क्लास का जो मैनेजमेंट है वो ईजिली एक प्रॉपर वे में चल सके। तो इसमें क्या होता है कि समटाइम्स टीचर को कई सारे काम भी रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर काम है तब भी टीचर क्या करता है, बच्चों टीचर वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लास में, लेकिन बच्चों को इस तरीके से वो कुछ एक्टिविटीज़ दे देता है जिससे कि बच्चे उन एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहें और वो क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट ना कर पाएँ, ठीक है। सो क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स डू नॉट गेट टाइम टू डू एनीथिंग इन द क्लास विदाउट द विशेज ऑफ देयर टीचर दो दे आर फुली फ्री देयर। जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं वो एकदम फ्री रहते हैं, लेकिन फिर भी वो टीचर की मर्ज़ी के अलावा कुछ और काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो टीचर जो होता है टीचर ने ऑलरेडी उनको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टीचिंग स्किल आती है वो है स्किल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। जैसे कि आप जानना, मान लीजिए आप एक टीचर हैं तो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि जो पीपल्स पार्टिसिपेशन या पीपल्स यानी कि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सके, ये भी एक तरीके से स्किल रहती है। क्योंकि आपने देखा कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास में आते हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, तो कई सारे बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि जो टीचर होता है उससे कहीं ना कहीं उनको डर लगता है या फिर उसे लगता है कि मतलब टीचर पे इतना अटेंशन नहीं रहता है। सो टीचर को क्या करना चाहिए, बेसिकली उसके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अगर बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो वो उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अब इसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन मीन्स दैट द डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ पीपल्स दैट कैन बी ऑब्जर्व इन द क्लास। पीपल्स पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि आप क्लास में उनका जो डायरेक्ट बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। टीचर इनिशिएट्स हिज एक्टिविटीज़ इन द क्लास इन सच अ मैनर दैट पीपल्स एक्टिविटीज़ आर ऑटोमेटिकली इंक्रीज। यानी कि जो टीचर है उसका एक ये रोल होना चाहिए कि जो
एक वो इस तरीके से एक्टिविटीज़ को इनिशिएट कर दे, स्टार्ट कर दे कि जो बच्चे हैं वो उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा अच्छे से क्लास में इन्वॉल्व हो जाएं और क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएँ। उससे क्या होगा, उनकी लर्निंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसमें देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही स्माइल्स एट द राइट रिएक्शन ऑफ हिज पीपल। अगर कोई टीचर है, मान लीजिए उसका कोई भी स्टूडेंट आंसर कर रहा है किसी क्वेश्चन को लेके, तो जो टीचर होता है वो क्या कर दे, अगर एक हल्की सी स्माइल कर दे तो बच्चे को अंदर से एक फीलिंग आएगी कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या मैं सही बोल रही हूँ और मेरे टीचर हैं वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये उनके वो बच्चा जो है वो और भी ज़्यादा ट्राई करेगा कि मैं और भी ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स करके एक सही डायरेक्शन में अपना आंसर और अच्छे से, मतलब आगे आने वाले टाइम में भी अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करूं। सो ये इनडायरेक्टली क्या होगा, ये टीचर के बिहेवियर, मतलब टीचर के अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे कि वो बच्चों को एक ऐसी फीलिंग, बच्चों में एक ऐसी फीलिंग डेवलप कर सके जिससे कि वो अपने पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ कर सकें। ओके, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो स्किल है वो आ जाती है स्किल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल्स। यानी कि एक जो टीचर है, रिकॉग्नाइज का मीन्स होता है पहचानना, ठीक है। तो जो एक टीचर के अंदर एक ये स्किल होनी चाहिए कि वो क्लास में जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है कि वो कितने अटेंटिव हैं, इस चीज़ को भी पहचान सकें, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, एन इफेक्टिव टीचर इज़ ऑलवेज वेरी सेंसिटिव। जो एक इफेक्टिव टीचर होता है वो एक बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव से यहाँ पे ये मतलब है कि एक जो टीचर है वो क्लास में अगर जाएगा तो वो बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ जाएगा। मान लीजिए कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो वो अगर उस टॉपिक, थोड़ा वो टॉपिक डिफ़िकल्ट है तो कुछ बच्चों के हो सकता है वो ईजिली टॉपिक समझ में आ जाए और कुछ बच्चों को वो टॉपिक समझ में ना आए। तो जो एक टीचर होता है, इफेक्टिव टीचर होगा, उसको वो बस उसके अंदर इतना सेंस रहता है कि वो बच्चे का चेहरा देख के समझ जाए कि इसको ये टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, जो एक टीचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो देखता है कौन बच्चा क्लास में प्रेजेंट है। क्लास में प्रेजेंट यानी कि सिर्फ बच्चा बैठा हुआ है उससे मतलब नहीं है, बच्चे का मेंटल कॉन्सेंट्रेशन भी है। फिज़िकली और मेंटली दो तरीके से बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं क्लास में बैठे रहेंगे लेकिन उनका दिमाग कहीं और बाहर चल रहा होता। तो एक टीचर के लिए सेंसिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उससे बच्चे का बिहेवियर या बच्चे का जो कंसंट्रेशन है उसको भी टीचर ऑब्जर्व कर पाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कीप देयर आइज ऑन ऑल द बिहेवियर ऑफ द पीपल्स एंड ट्राइज टू नो व्हाट देयर रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स आर। जो एक इफेक्टिव टीचर होता है वो सारे बच्चों पर अपनी नज़र रखता है और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक एक बच्चे की अलग अलग जो प्रॉब्लम है वो क्या है। सो इससे क्या होता है, इस जो स्किल से, अगर ये स्किल रहेगी टीचर के अंदर तो क्या होगा, कोई भी बच्चा है क्लास में वो नेगलेक्टेड फील नहीं करेगा, कोई भी बच्चा ये फील नहीं करेगा कि ये मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो टीचिंग स्किल है वो आ जाती है स्किल ऑफ फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग। यानी कि एक टीचर है वो कितने फ्लुएंटली क्वेश्चंस को पूछ पा रहा है। इसको हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज, बाय दिस स्किल द टीचर आस्क क्वेश्चन इन अ रो विदाउट टेकिंग एनी पॉज। जो एक टीचर होता है वो क्वेश्चंस को एक फ्लो में पूछता है बच्चों से, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक टीचर ने कोई भी टॉपिक पढ़ाया, कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो अब वो टीचर क्या करेगा, वो उसके क्वेश्चन, मतलब वो जो चैप्टर ख़त्म हो गया उसके लास्ट में, जो भी लेसन है उसके लास्ट में एक फ्लुएंटली वे में क्वेश्चंस पूछेगा कि जो बच्चे हैं उन्होंने कितना क्या ग्रेस्प किया है। और अगर कॉन्टिन्यूसली उनको पूछते रहेंगे तो क्या होगा, जो उसका एक रिकैपिचुलेशन हो जाएगा। रिकैपिचुलेशन इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर लेसन पढ़ाया गया तो लेसन के लास्ट में, लेसन के बीच में कई सारी चीज़ें आपने बताई, फिर उन्हीं से रिलेटेड बच्चों को एक दो क्वेश्चंस भी पूछे, अब पूरा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया, उसके लास्ट में क्या किए आपने, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जो इससे रिलेटेड ही थे, जिससे कि क्या हुआ, उन बच्चों का ओवरऑल एक बार रिवीजन हो जाए और वो रिकैपिचुलेट कर पाएँ, यानी कि पुनरावृत्ति इसको कहते हैं, वो दोबारा से चीज़ों को फिर से रिकैपिचुलेट कर पाएँ। सो इसलिए इसके लिए क्या होता है कि एक टीचर के अंदर जो स्किल ऑफ फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग इसका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टीचर एक फ्लो वे में लास्ट में सारे क्वेश्चंस को पूछ सके, ठीक है। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट स्किल है वो आ जाती है स्किल ऑफ गिविंग होम असाइनमेंट। जैसे कि इसमें क्या है, एक टीचर के अंदर
ये स्किल भी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से होम असाइनमेंट्स को दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स वो होते हैं जो स्टूडेंट्स जनरली क्या कंसिडर करते हैं कि होमवर्क्स या फिर होम असाइनमेंट्स हैं वो उनके लिए एक बर्डन है, वो बहुत ही ज़्यादा एक बोझ जैसा समझते हैं अपने होमवर्क या होम असाइनमेंट को। तो एक टीचर, इफ़ेक्टिव टीचर है, उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि जब वो टीचर उन बच्चों को होम असाइनमेंट दे तो वो जो होम असाइनमेंट है उन बच्चों के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि एक अच्छा उनको इस तरीके से मतलब वो टीचर डिलीवर करे, इस तरीके से होम असाइनमेंट उनको दे कि जो बच्चे हैं उनके लिए वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाए, एक इंटरेस्ट डेवलप हो उन बच्चों के लिए, एक चैलेंज बन जाए जिससे कि उन बच्चों को क्या हो कि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आए उस टॉपिक में। फॉर एग्जांपल कोई टीचर होम असाइनमेंट दे रहा, होमवर्क दे रहा, तो वो टीचर उस होम असाइनमेंट उस टॉपिक के बारे में या फिर कोई होमवर्क दे रहा तो उस टॉपिक के बारे में बच्चों के अंदर कुछ ऐसी बातें बच्चों को बता दे जिससे कि बच्चे क्या करें उस टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट थोड़ा सा उनमें डेवलप हो, थोड़ा क्यूरियोसिटी डेवलप हो। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, एक इफ़ेक्टिव टीचर होम असाइनमेंट देने की भी स्किल रखता है। नेक्स्ट पॉइंट भी हम देख लेते हैं, ही मेक्स इट यूज़फुल फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द पीपल्स एंड सो ऑन। जो एक इफ़ेक्टिव टीचर होता है वो क्या करता है कि जो होम असाइनमेंट वगैरह है उसको इस तरीके से बच्चों को देता है जिससे कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसका कुछ ना कुछ यूज़फुल रहे, ठीक है। और वो क्या करे, वो जो बच्चे बोर फील कर रहे हैं उसको इतना बोर ना फील करें, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारी स्किल आ जाती है स्किल ऑफ प्लान रिवीजन। इसका क्या मतलब है कि एक जो टीचर है उसके अंदर स्किल ऑफ प्लान रिवीजन भी होनी चाहिए। तो इसमें हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। समटाइम्स अ टीचर रिपीट्स द आंसर ऑफ हिज स्टूडेंट्स, डिफ़िकल्ट टीचिंग पॉइंट्स और अ पार्ट ऑफ एनी टीचिंग पॉइंट इन द क्लास मोर देन द ट्वाइस इन अ प्लान मैनर। यानी कि अब इस चीज़ को समझिए, एक कोई टीचर है, ठीक है, वो अपनी एक टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको क्लास में, मान लीजिए कोई टीचर है, बच्चे बैठे हुए हैं तो वो एक टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है तो क्या करेगा, टीचर अपना लेक्चर एक बार दे रहा है इन बच्चों को, लेकिन वो इसी के बीच में कुछ पार्ट जो उसको डिफ़िकल्ट लगेंगे वो उनको ट्वाइस या थ्राइस यानी कि दो तीन बार इनडायरेक्टली क्या करेगा, डिलीवर करेगा बच्चों को, जिससे कि क्या होगा, जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो एक प्लान वे में वो दोबारा से बच्चों को डिलीवर कर देगा जिससे कि बच्चे उसको ईजिली समझ पाएँ। और समटाइम्स क्या करेगा, जो क्वेश्चन है वो पढ़ाते हुए ही बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर कोई बच्चा आंसर दे रहा है तो वो टीचर उसको फिर दोबारा से उस आंसर को रिपीट करेगा। इससे क्या होगा, अगर बच्चे ने कुछ गड़बड़ की है, कुछ एकदम पूरी अच्छे तरीके से नहीं बच्चा बता पा रहा है, तो वो चीज़ उस बच्चे को भी समझ में आएगी और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी इनडायरेक्टली वो टीचर दूसरी तीसरी बार बता देगा। ये क्या रहेगा, इससे बच्चों का एक प्लान रिवीजन, एक जो टीचर है वो एक प्लान रिवीजन करवा देगा और बच्चों को चीज़ें याद करने में आसानी होगी। सो यही है कि दिस सर्टेनली बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स बिकॉज दे कैन रिमेंबर दम ईजिली। एक दो बार अगर टीचर प्लान रिवीजन कराएगा तो बच्चे चीज़ों को ईजिली याद रख पाएंगे। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट स्किल है वो आ जाती है स्किल ऑफ रीइन्फोर्समेंट। रीइन्फोर्समेंट क्या होता है, रीइन्फोर्समेंट होता है कि आप ऐसे समझिए, आप एक टीचर हैं, आपके क्लास में बच्चे हैं, तो बच्चों को आपने, बच्चे कोई आंसर दे रहे हैं, आपने कोई क्वेश्चन किया, बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो आप बच्चों को अगर थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, तो इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे और सोचेंगे कि अगली बार भी अगर कोई सर या मैम हमसे कुछ पूछते हैं क्वेश्चन वगैरह तो मैं उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव वे में बता पाऊँ। तो ये क्या हो गया, जो आपने उनको गुड वेरी गुड बोला वो क्या हो गया, री इन्फोर्समेंट, एक तरीके से बढ़ावा दे दिया आपने, तो ये हो गया री इन्फोर्समेंट। अब हम देख लेते हैं, री इन्फोर्समेंट मीन्स दोज इवेंट्स बाय विच वी कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग मोर करेक्ट रिस्पॉन्सेज बाय द पीपल्स। यानी कि री इन्फोर्समेंट वो हो गया कि वो ऐसे इवेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बच्चे क्या करें और भी ज़्यादा करेक्ट रिस्पॉन्स देने के लिए अग्रसर हों, आगे बढ़ें, ठीक है। तो री इन्फोर्समेंट कितने, दो टाइप के यहाँ पे मेनली मैंने लिखे हैं, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। सो देखिए, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या हो जाएगा, कोई बच्चा बहुत ही अच्छा आंसर दे रहा है तो आप उसको कहेंगे गुड वेरी गुड नाइस एक्सेलेंट इस टाइप से, तो बच्चा क्या करेगा अगली बार और अच्छा वो कोशिश करेगा मैं और भी अच्छा आंसर दे पाऊँ और क्लास में अपना मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स और भी ज़्यादा बढ़ा पाऊँ। कई सारे और भी बच्चे देखेंगे कि एक सर, अगर सर उसको इतना मतलब तारीफ़ कर रहे हैं या शाबाशी दे रहे हैं तो मुझे भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करना चाहिए,
तो ये क्या हो गया, एक तरीके से क्लास में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। इसमें क्या होता है, बच्चा अगर कोई गलत आंसर दे रहा है तो आप उसको कहेंगे रॉन्ग, वेरी बैड, वेरी पुअर, ट्राई अगेन, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट को हम जनरली यूज़ करने से बचते हैं, या फिर पहली ही बार कोई बच्चा ट्राई कर रहा है क्लास में और हमने कह दिया रॉन्ग, वेरी बैड, वेरी पुअर, तो बच्चे के अंदर एक डीमोटिवेशन आ जाएगा। सो इसको हम ना करके क्या करेंगे, इसको बचेंगे, उसको जनरली उन बच्चों के लिए यूज़ करेंगे जिनको 3, 4, 5, 10 बार कोई बात बता चुके हैं और फिर भी वो एफर्ट्स ही नहीं करना चाह रहे, तो उनको जनरली कह देंगे ट्राई अगेन या फिर वेरी पुअर। तो इस तरीके से जनरली हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट ही देने की यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप गाइज, अगर आप अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए, और इसको शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।